हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प विषय, गन का लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरे साथी भाई ये जानने के इच्छुक होंगे कि हमें अपनी लाइफ की, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमें गन की लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन गन का लाइसेंस बनाना इंडिया में तो आप सभी जानते हो बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में गन का लाइसेंस बनवाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, भारत में गन का लाइसेंस बनाना नामुमकिन नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है, लेकिन आप चाहो तो गन का लाइसेंस बनवा सकते हो। तो आज मैं आपको इसी विषय को बताऊंगा कि भारत में गन का लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। इससे पहले कि मैं इस विषय को शुरू करूं, आप अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज एट योर होम को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद में हमारे विषय पर हम वार्तालाप शुरू करते हैं। तो भारत में गन का लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। दोस्तों देखो, गन के लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गन का लाइसेंस आप कितनी प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। दो प्रकार से आप गन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऑफलाइन गन के लाइसेंस के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में, इस सब्जेक्ट में हम आपको डिटेल बताएंगे कि आप इंडिया में यदि गन का लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो कैसे बनवा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो गन होती कितने प्रकार की है मैं आपको बताऊंगा। गन दोस्तों तीन प्रकार की होती है, पहली हैंडगन, दूसरी शॉटगन और तीसरी सपोर्टिंग गन। आप इन तीनों गनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप दो शॉटगन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक हैंडगन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप तीनों हैंडगन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो एक स्पोर्टिंग गन, एक हैंडगन या फिर एक शॉटगन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यह आप पर डिपेंड करता है, आप तीन गन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कि गन की एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यदि गन का लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो पहली राय तो मेरी यही होगी कि आप होमगार्ड डिपार्टमेंट में एक ट्रेनिंग होती है, आप उस ट्रेनिंग को लीजिए। यदि आप होमगार्ड डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग ले लेते हो, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। यदि आप उस ट्रेनिंग को ले लेते हो तो आपको अपने गन के लाइसेंस बनवाने में कुछ मदद मिलेगी। इसके बाद यदि आपने, मान लो सपोज करो, होमगार्ड डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग भी नहीं ली और आप चाहते हो कि आप जो है गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और यदि आपने होमगार्ड डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग भी नहीं ली और आप ऑफलाइन फॉर्म को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करोगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप इजीली ऑफलाइन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हो। इस फॉर्म को कहते हैं फॉर्म ए। फॉर्म ए को आप डाउनलोड करो, इसका प्रिंट ले लो। जैसे ही आप प्रिंट लेते हो तो इस फॉर्म के अंदर आपको डिटेल्स भरनी होगी, जैसे आपका नेम, फादर्स नेम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका इनकम, आपकी फिटनेस। इसके अलावा जो भी उसके अंदर कॉलम्स भरे होंगे, आपको गन इंडिया में कहाँ कहाँ के लिए चाहिए, किस काम के लिए आप गन यूज करना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स जो है ना उस फॉर्म के अंदर भरी जाएगी। लगभग 11 पेज होते हैं उस फॉर्म के, फॉर्म ए के। जैसे ही आप फॉर्म ए को फिल करोगे तो उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे दोस्तों फॉर्म ए के साथ? फॉर्म ए के साथ नंबर 1 आप लगाओगे अपना रेजिडेंशियल प्रूफ, आप कहाँ के निवासी हो। नंबर 2 आप उसके साथ लगाओगे आप इंडिया में जिस जगह पर भी रह रहे हो आपकी इनकम क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चार पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी आपकी। इसके अलावा एक किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सरकारी डॉक्टर से आप जो है आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लगाओगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आपने उसके साथ में नथी कर दिए, आपने अटैच कर दिए, तो फॉर्म ए आपका कंप्लीट हो गया। आपने फॉर्म ए को फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट भी आपने साथ लगा दिए। कि जैसे ही आपने फॉर्म ए के साथ सारे आपके डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, आपका एज सर्टिफिकेट भी लगा दिया, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगा दिया, आपने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगा दिया, इनकम सर्टिफिकेट भी लगा दिया, आईडी प्रूफ भी लगा दिया और उसके साथ एक फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी लगा दिया, तो आप उसको जमा करवाने के लिए जाओगे। अब जमा कहाँ करवाओगे दोस्तों उस फॉर्म ए को? आप गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने फॉर्म ए डाउनलोड भी कर लिया, उसके साथ अपने
जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लगा दिए, तो अब जमा कहाँ करवाने जाओगे दोस्तों? आपके निकटतम, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट में एक कह सकते हैं डीएसपी ऑफिस होगा। आप सभी अपने एरिया में जानते होंगे कि आपके पास का डीएसपी ऑफिस कहाँ है। डीएसपी ऑफिस में आपने अपना फॉर्म ए जमा करवा दिया। जैसे ही आप फॉर्म ए जमा करवाओगे अपना, तो उसके बाद में आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके निकटतम थाने के अंदर आपका फॉर्म ए भेजा जाएगा, उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट अटैच है वो भेजे जाएंगे, वेरिफिकेशन की जाएगी। और वेरिफिकेशन कैसे होती है दोस्तों? वेरिफिकेशन जैसे ही आपके निकटतम पुलिस स्टेशन में आपका फॉर्म ए पहुंचा, तो वहां पर सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही आपको बुलाया गया, तो आप से ये कहा जाएगा कि आपने गन के लिए, एक गन के लाइसेंस के लिए आपने फॉर्म ए भरा है, यही आपके डॉक्यूमेंट साथ में अटैच है, तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्म आया है। तो आप अपने साथ दोस्तों दो अपने एरिया के, या यूं कहें कि दो अपने पड़ोसियों को साथ ले जाओगे, आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपका देखा जाएगा कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, कोई पर्चा दर्ज नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद और आपके दो पड़ोसियों की गवाही देने के बाद आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। जैसे ही आपकी दोस्तों वेरिफिकेशन थाने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, फॉर्म वापस डीएसपी ऑफिस में पहुंचेगा। जैसे ही आपका फॉर्म वापस डीएसपी ऑफिस में पहुंचेगा, तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर और आपके एविडेंस के आधार पर और आपके पड़ोसियों की गवाही के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आपका लाइसेंस का, जो आपका आर्म्ड लाइसेंस है, वो आपको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों। हाँ, ये पावर होती है पुलिस की कि वो आपको आर्म्ड लाइसेंस दे सकती है या नहीं दे सकते। घबराने की जरूरत नहीं है यहां पर दोस्तों। यदि पुलिस ने आपका आर्म्ड लाइसेंस का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे? पुलिस डिपार्टमेंट ने आपका फॉर्म ए, आपने गन के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस के, आर्म्स लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो आप क्या करोगे दोस्तों? सपोज करो दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट ने आपका आर्म्स लाइसेंस का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे? यदि पुलिस डिपार्टमेंट ने आपका आर्म्स का लाइसेंस का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, तो आप दोस्तों सबसे पहले रिटर्न के अंदर कारण पूछ सकते हो। पुलिस डिपार्टमेंट की यह अथॉरिटी है कि वो आपको कारण बताए कि किस वजह से जो है आपका जो है आर्म्स लाइसेंस का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों जैसे ही आपको रीजन का पता चलता है, तो आप क्या करोगे? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपील में जा सकते हो। जी हाँ, आप आर्म्स एक्ट 1959 के रूल नंबर, या यूं कहें कि सेक्शन 18 के तहत आप अपील कर सकते हो। जी हाँ, आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 18 में आप अपील कर सकते हो। अपील के बाद जो प्रोसीडिंग होगी, यदि कारण आपका जेनुअन है, आपका लाइसेंस बनना जेनुअन है, तो आपके लाइसेंस जो है बना दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये तो चीज़ आपको बताई कि आप आर्म्ड लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया, क्या प्रोसीडिंग होगी, और उसके बाद में यदि रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या कर सकते। सपोज करो दोस्तों आपका आर्म्ड लाइसेंस जो है बनकर तैयार हो गया, तो भैया पिस्टल तो चाहिए ना, आपका आर्म्स लाइसेंस बनकर तैयार हो गया, हथियार चाहिए ना, आपको वेपन खरीदना है ना दोस्तों, तो आप वेपन खरीदने के लिए क्या करोगे? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि आप आर्म्स लाइसेंस के लिए किस प्रकार से अप्लाई करोगे, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा आप फॉर्म यूज करोगे, आप उसके बाद वेरिफिकेशन कैसे कराओगे। यदि पुलिस डिपार्टमेंट ने आपका आर्म्स लाइसेंस का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपील किस सेक्शन के तहत डाल सकते हो? दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आपको कि आपने आर्म्स लाइसेंस बना लिया, आर्म्स लाइसेंस आपका बन गया, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? गन चाहिए ना, हथियार चाहिए ना, पिस्टल खरीदोगे ना। दोस्तों आपको वेपन, हथियार या पिस्टल कहाँ से खरीदनी चाहिए? यदि आप पिस्टल खरीदने के बारे में सोचते हो, गन खरीदने के बारे में सोचते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? होम मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है MHA.gov.in, उस पर आपको लॉगिन करना चाहिए, उस वेबसाइट के अंदर देखना चाहिए। उस वेबसाइट के अंदर दोस्तों आपको बताया गया है कि आप कहाँ से हथियार खरीद सकते हो, या जो आर्म्स डीलर हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी लोकेशन है, कहाँ कहाँ पर उनका ऑफिस है, आप वहां से आप जो है आर्म्स लाइसेंस का लाइसेंस खरीदने आर्म्स लाइसेंस के बाद जो है आर्म्स खरीद सकते हो।
दोस्तों आपको पता चल गया कि किस डीलर से आपको आर्म्स खरीदना चाहिए, तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप जो भी पिस्टल गन या जो भी आप वेपन खरीद रहे हो उस वेपन का प्राइस चेक करोगे। दोस्तों इसी वेबसाइट पर आपको उस वेपन का प्राइस भी बताया गया है, तो आप अपने हिसाब से जो है उस प्राइस को देखकर उस डीलर के बारे में जानकारी प्राप्त करके हथियार भी खरीद सकते हो। जी दोस्तों, मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया कि आप आर्म्स लाइसेंस के लिए किस प्रकार से अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्म यूज करोगे, उसके बाद में प्रोसीडिंग क्या है, डॉक्यूमेंट क्या साथ में लगाओगे, वेरिफिकेशन कैसे होगी, आपका लाइसेंस बन गया तो आप हथियार परचेज करने के लिए या आर्म्स परचेज करने के लिए या यूं कहूँ कि पिस्टल परचेज करने के लिए कहाँ पर जाओगे, उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी डिटेल्स जो है आपको दोस्तों जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है MHA.gov.in पर आपको इजीली प्राप्त हो सकती है। दोस्तों इस पार्ट में मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन आर्म्स लाइसेंस को बनाने की प्रक्रिया क्या है, लाइसेंस खरीदने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई आपके काम की नॉलेज प्राप्त हुई, तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। दोस्तों यदि अच्छा लगे तो आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइजर टू योर होम को सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि पार्ट टू देखना ना भूले। जी आर्म्स लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, इसका जो पार्ट टू बहुत जल्द आपके सामने होगा उसको देखना ना भूले। दोस्तों यदि आप ऑफलाइन जो जटिल प्रक्रिया है उससे बचना चाहते हो, यदि आप ऑफलाइन जटिल प्रक्रिया से बचना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन भी आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगले में वीडियो में बताऊंगा आपको कि आर्म्स लाइसेंस का ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है या ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाजत दो, आज के लिए बस इतना ही, और आप जुड़े रहे हमारे साथ हमेशा के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और इसके साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।